नमस्कार स्टूडेंट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटीजर्स। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द इंटीजर्स, लेट्स अंडरस्टैंड फॉर होल नंबर्स, देन वी विल गो टू द इंटीजर्स। सो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ये जो प्रॉपर्टी है उसका जो मीनिंग है, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग फर्स्ट। ये प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हम होल नंबर से डील करते हैं, अगर हम होल नंबर से डील करते हैं तो हमें कोई भी एनी टू, कोई भी दो होल नंबर लेने हैं, अज्यूम करने हैं। जैसे मैंने वेरी फर्स्ट एग्जांपल में अज्यूम किया है 6 और 9, और हम एडिशन पे चेक कर रहे हैं तो 6 + 9 लिया है, प्लस एडिशन है इसलिए प्लस। तो जितने भी यहाँ मैंने नंबर लिए हैं वो सब क्या है, होल नंबर से ही है। ऑल द नंबर्स आर फ्रॉम द ग्रुप होल नंबर्स। और ये जो ऑपरेशन करना है, हियर वी आर कॉन्सेंट्रेट ऑन द एडिशन ऑपरेशन। सो सब में मैंने एडिशन साइन रखी है, प्लस साइन इज देयर। सो वेरी फर्स्ट, चलिए ये तो सब होल नंबर है, तो अभी उसका जो आंसर आता है वो आंसर क्या आ रहा है, दैट आंसर विल डिसाइड वेदर ये क्लोजर प्रॉपर्टी में फिर उसका रिमार्क जो लिखना है वो हम देखते हैं। पहले ये सम्स जो है, ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल आल्सो अंडरस्टैंड कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। और क्लोजर प्रॉपर्टी में एक एडिशन की है, मीन्स सब टाइप, एक एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। लेकिन सेवन स्टैंडर्ड में हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पहले देखना है, मल्टीप्लिकेशन भी आएगा बट इट इज़ इन द नेक्स्ट सेक्शन। सो वेरी फर्स्ट लेट्स स्टार्ट। So 6 + 9, the answer will be 15. 0 + 11, answer will be 11. 7 + 10, here we will get the answer 17. 5 + 3, यहाँ पे answer आएगा 8. अभी ये जो आंसर आए अपने 15, 11, 17, 8, ये जितने भी आंसर्स है, तो ये सब आंसर्स, ये जितने भी नंबर्स है, कंसिडर दीज आर नंबर्स ओनली, तो ये जितने भी नंबर्स है आर नंबर्स फ्रॉम होल नंबर्स ओनली। ये होल नंबर के ग्रुप में ही है सब, एक भी नंबर ऐसा हमें यहाँ नहीं मिल रहा है जो होल नंबर में आता ना हो। और यहाँ पे भी जो मैंने नंबर लिए वो भी होल नंबर है। सिर्फ इतने नंबर नहीं, आप कोई भी होल नंबर ले सकते हैं और उसका एडिशन की प्रॉपर्टी एडिशन कर सकते हैं। एडिशन करने के बाद क्या मिल रहा है वो चेक कर सकते हैं। तो हमें ये पता चलेगा कि व्हेनेवर वी आर टेकिंग टू होल नंबर, एनी टू होल नंबर, एंड व्हेन वी कैरी आउट द एडिशन प्रोसीजर, तो देर ओनली द आंसर इज नथिंग बट होल नंबर ओनली। यानी ये प्रॉपर्टी में हमें रिमार्क क्या लिखना है कि दो होल नंबर का जो एडिशन होता है इज ऑलवेज होल नंबर, मीन्स द रिमार्क विल बी क्लोज्ड। अगर आंसर होल नंबर नहीं आया रहता तो यहाँ हम कह सकते थे कि ये क्लोजर क्या है, नॉट क्लोज्ड है। लेकिन यहाँ पे तो हमें होल नंबर मिल रहा है। सेम वे हियर 11, अगेन होल नंबर, तो द रिमार्क विल बी क्लोज्ड। 17 क्लोज्ड, 8 क्लोज्ड। तो हम
सो वी कैन से दैट कि द एडिशन ऑफ टू होल नंबर टू नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर एंड देयरफॉर क्लोजर अंडर एडिशन फॉर होल नंबर इज क्लोज्ड.